नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निरंतरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। सागर जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, कोरोना ब्रेकिंग न्यूज है। अब जो है सागर जिले में 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। सागर कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो है कि ये कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। उनका कहना है कि इस कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने के लिए ये जरूरी कदम है जो कि ये कोरोना की चैन को तोड़ेगा। निश्चित रूप से ये जनता से भी उन्होंने अपील की है कि जनता इस कोरोना कर्फ्यू में सहयोग करे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है सागर से, जिसमें सभी लोग ये इंतजार कर रहे थे कि आज क्या निर्णय होगा और अंततः आज ये निर्णय हो गया है कि अब जो है लॉकडाउन सागर में, जिसका नाम कोरोना कर्फ्यू दिया गया है, वो 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सुनिए जरा सागर कलेक्टर ने क्या कहा है। कोविड-19 की महामारी, जिसका प्रभाव अब पूरे देश में, प्रदेश में है, सागर में भी संक्रमण की दर विगत दिनों में बढ़ी है। इसके लिए हमने 1 सप्ताह का कोरोना कर्फ्यू लगाया था और इस दौरान कुछ प्रकरणों में कमी आई है। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि जो इसकी संक्रमण की चेन है उसको तोड़ा जाए, और संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि लोग घर में ही रहें। तो मैं सागर जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जनता कोरोना कर्फ्यू सागर जिले में लागू किया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि आवश्यक वस्तु की सप्लाई की लिए हमने आवश्यक व्यवस्थाएं, आवश्यक छूट प्रदान की है, आप उसका उपयोग करें, लेकिन अनावश्यक कोई भी कहीं बाहर नहीं निकले। हमने सभी बड़े आयोजन, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जो भी हो, सभी बड़े आयोजनों पर रोक लगाई है, और इसके साथ ही आप सभी से ये अपेक्षा है कि इसमें आप सहयोग करें और कोरोना कर्फ्यू को जनता कर्फ्यू बनाएं।